हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज है हफ्ते का दिन और पीछे यहाँ पर देखें मैडम शाजिया कर रही है तैयारियाँ। आज ये मुझे छोड़ के जा रही है अपने नानों को मिलने। नानो आई है गाँव से, तो आज आप ना जाओ, ना ना जाओ, छोड़ के जा रही हो। है? नहीं छोड़ के नहीं जा रही, वैसे आपको एक रात के लिए छोड़ के जा रही है। एक रात के लिए छोड़ के जा रही है। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ कि आज शाजिया इधर नहीं होगी। पक्का? हाँ तो बाद में खुशी ना मनाते रहना। नहीं, परेशान हूँ मैं। इतना मिस करते हो। तो आज गाइस शाजिया जा रही है अम्मी के घर, वहां से कपड़े शपड़े धोने हैं। बच्चे पहले चले गए। अब अगर मेरा दिल किया तो मैं रात रहूंगी, वरना मैं अच्छा आ जाऊंगी। मैं आपको कॉल कर दूंगी। चलो ठीक है। आज मैं गाने सुन रहा था यहाँ पर लैपटॉप पर। ये देखें, पुराने दौर के जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो इस तरह की कैसेटें होती थी बहुत। तो मैं तो बहुत सॉन्ग सुनता था, बहुत सुनता था। इतने मेरे पास तो अभी भी कैसेटें पड़ी हुई हैं, ढेर लगा हुआ है। थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपने भी सुने होंगे। ज़्यादा गाना नहीं चलाऊंगा वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाने सुन के ना पुराने पुराना बचपन याद आ गया, बचपन का दौर याद आ गया। हम दोस्त होते थे, इस तरह के सॉन्ग सुनते थे। घर में कैसेटें बहुत ज़्यादा होती थी, एक दूसरे से लेते थे, एक दूसरे को शेयर करते थे। कभी किसी ने कोई नई कैसेट ली, उसे ले ली अपनी, उसको दे दी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था पुराने गाने सुनते हुए। आज शाजिया ने पता रोमन नहीं सर बचपन में ये सुने के नहीं। बातें बता रहा था कि ऐसे होता था, ऐसे होता था, अभी बता रहा था मेरा अभी। तो जो है ना, वो कह लें कि जवानी, वो तो निकल ही गई आज से, पता ही नहीं चला। पता नहीं चला वहां से हाँ, निकल गई। बहुत ऐसे जैसे के हाथ में रेत हो ना, एकदम से स्लिप हो जाती है। दरअसल हम यही सोचते रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन टाइम कैसे निकल दरअसल जाता है क्या पता ही हुआ नहीं ना, चला। जब से मैं आप पोत होगी, मतलब कि आपके अभी मेरी सास, तो सारी जिम्मेदारियां आप पे आ गई थी, तो इस वजह से आपको ये फील हो रहा है। तो अभी भी आप में से अगर कोई बंदा जवान, जिसकी उम्र 18 साल, 17 साल, 15 साल है, तो वो भाई अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करो, खूब मजे करो। जब एक दफा ये दिन गुजर जाते हैं तो दोबारा फिर लौट के नहीं आते, फिर बंदा मिस ही करता है, जैसे मैं मिस कर रहा हूँ। मन मिस कर रहा है। अच्छा मैं तो नहीं कर रही, मुझे तो अच्छा हाँ, लगता है, ये भी वो भी सही। ये भी ठीक है, लेकिन वो जो दौर था ना, जिस दौर में पता नहीं कुछ लोग करते हैं। हमारे माँ बाप कहते थे कि हमारा दौर बड़ा अच्छा था, हम अपने दौर में बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, बड़ी अच्छी थी, चीज़ों के रेट बहुत कम थे। तो मैं कहता हूँ कि मेरा दौर बहुत अच्छा था, मैं अपने दौर को मिस करता हूँ। तो कुछ लोग मिस अच्छा नहीं वो करते, लाइफ आजकल एक लोगों अलग के खून सर, सफेद वो हो गए वैसे भी। जो लाइफ है ना वो एक अलग लाइफ थी, हाँ वो उसका अपना एक मजा था। अब ये शादीशुदा लाइफ इसका अपना एक मजा, बस मुझे ऐसे तो ही है। अच्छा लगता है बस। ठीक तो है ये देखें शाजिया का गला जो है ना, अभी ये दिखाओ इधर से। बस प्रे करें, आप दुआ थोड़ा करें कि ही गला होगा इसका ठीक हो जाए। बस। काफी है, अभी अब मैं मेडिसिन टेंशन खा नहीं रही है। लेती इसकी, ये पहले मेडिसिन जब देखें, चौबीस टेंशन। घंटे शाजिया का ये बैग है, इसमें हाँ टिफिन इसका और मेडिसिन इसी में ही होती है। ये मैं साथ ये में लेके मेडिसिन जाती है हूँ, खाती हूँ घर न्यू में मेरे से। मरकाजोल, हाँ और साथ में इंट्राल, ये हार्ट बीट के लिए होती है। हाँ, ये दोनों मैं खाती हूँ, ये दोनों खाती है साथ शाजिया, साथ ही रखती हूँ उनको। साथ साथ ही रखती है। तो बस ये बड़ी एक ईश्वर खतरनाक किस्म मुझे की राम बीमारी देने। है। लेकिन अब वो मैं पहले मैंने बड़े इसकी टेंशन ली है, अब मैं इसकी टेंशन नहीं लेती। मैं टेंशन फ्री, अगर मैंने कहा कुछ होना तो ठीक है बस, अब हाँ, नहीं नहीं होना टेंशन नहीं ऐसे। लेनी चाहिए। टेंशन हाँ बंदा ले ना टेंशन से मैं तो वो ज्यादा बड़ी फिर और मसला बन जाता। डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत ज्यादा, हाँ, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कि ये मुझे क्या हो गया, ये क्या होगा, वैसे मैं ऐसे। काफी हाँ लोगों को, ये काफी फीमेल को हो रहा है आजकल। तो ये रोबन ने मुझे मोटिवेट किया कि काफी लोगों को है, लोग ऐसे होते हैं हमारे से नहीं खाते हैं, कोई ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा अब नहीं मैं लेती टेंशन। नहीं, सही हो जाएगा। तो चलो, तो रोबन ये मुझे लग रहा है काफी नीचे हो गया ना, हाँ तो ये काफी तो सही है। यहाँ तक आ गया सर जब वो दूसरी मेडिसिन खा बस रहा। ठंडा पानी शानी ना पिया करो, खट्टी चीजें ना तो वो खाया करो। गर्मी है वो तो सब पीना, ठंडी खट्टी चीज नहीं मैं खाती, सिर्फ ठंडी खाती हूँ। खट्टी चीज नहीं खाती, ठंडी खाती है। ठंडी खाती तो हूँ ठंडी भी ना खाया करो, अदरक वाली चाय पिया करो, अदरक गले के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। तो साहब आपने मुझे धनिया ला के देना, मैं नेट पे खुद भी देख रही थी कि वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पे धनिया जो है रात को भिगो के सुबह के ग्लास पी ले, कह रहे कि इससे फौरन कंट्रोल हो जाता है और वो खत्म हो चलो, जाता मैं कल मसाले लेकर आऊंगा बाजार से, है। फिर हाँ धनिया भी लाएंगे। धनिया।
चलो आ जाओ चलें, टाइम काफी ज्यादा हो गया, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। जब मैं शाजिया को स्कूल से लेने गया था ना, तो बच्चों को मैं महंगा छोड़ आया था। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, प्यारा मौसम है। पहले तो काफी ज्यादा गर्मी रही है, अभी गर्मी नहीं है इतनी। और जब हम मैं वहां पे जा रहा था ना शामी रोड पे, तो इतने दरख्त लगे हुए हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो इसीलिए कहते हैं बार बार लोगों के दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ। दरख्त लगाने का फायदा ये है कि जो गर्मी की शिद्दत है ना वो कम हो जाती है। तो दरख्त आप अपने घरों में लाजमी लगाएं। किसी अच्छी सोसाइटी में देखें, वहां पे दरख्त लगे होते हैं, लोगों ने घरों में लगाए होते हैं, और बाहर जो सड़क होती है वहां पे भी लगे होते हैं। सिर्फ इसीलिए लगे होते हैं कि जो एनवायरनमेंट है ना, जो आबो हवा है, वो उससे बिल्कुल साफ हो जाती है और ठंडी होती है, और गर्मी की जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। क्योंकि पूरे दरख्त में वाटर होता है, पानी होता है, उसके एक पत्ते में भी पानी होता है। तो हवा जब क्रॉसिंग करके गुजरती है ना, ठंडी हो जाती है, गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। जिस तरह हम घरों में एयर कूलर लगाते हैं, तो उसके पीछे पानी चल रहा होता है, आगे से ठंडी हवा आ रही होती है। दरख्तों का भी यही हिसाब है, दरख्तों के पत्तों में, उनके तनों में, उनकी जड़ों में पानी होता है, जिस वजह से हवा जो है ना वो साफ भी होती है और ठंडी भी होती है। कपड़े भी लेके जाने मैं के ले जाओ, फिर कल कैसे धोऊंगी इस वजह से। चलो ले लो कपड़े। तो गाइस हम अपने घर आ गए हैं, मैं आशा के लिए ले लेंगे दो दो वाटरमेलन, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। दिखाओ ना, दिखा दिखा। ये देखो बात खाए नहीं जा रहा, रात रहना बच्चे कह रहे हैं, रात इधर ही रहना। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, सभी लोग बैठे हुए हैं। गर्मी तो नहीं है आज इतनी, आप एसी लगा के बैठे हुए हैं, सो रहे हो। तो सनिया भाभी हमारे लिए क्या करने लगी हैं भाभी? पानी लाने लगी। थैंक यू कैरल, क्या कर रही हो? इधर आओ, दीदी के साथ खेल रही है कैरल। बाहर हुआ है शाजिया, दुबा रही है। बाहर गर्मी से आए ना। तो गाइस मैं रात को घर आ गया था, बच्चों को उधर छोड़ के अम्मी के घर, काफी टाइम हो गया था। मैं तो फिर लेट हो गया था, 3 बजे घर आया हूँ। तो घर आके मैंने देखा शाजिया और बच्चे मेरे से पहले घर आए होंगे, शाजिया का दिल ही नहीं लगा वहाँ पे। नहीं, मैं फरियाद भाई को मैंने बोला था कि मुझे छोड़ो और बने लेकर। शाजिया का दिल नहीं लगता घर में वापस आने का। पता नहीं क्या बात है, मेरा अम्मी घर सोने को नहीं दिल करता, मैं कहती घर जाके सोऊंगा। तो आज अगला दिन है, नेक्स्ट डे हम। इसका मतलब है कि रोबन के बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता है। अच्छा जी, आज इतवार का दिन है, तो सुबह उठ के हमने नाश्ता वगैरह किया, फिर अनम आ गई थी, गुड़िया अनम और आफत भाई गए थे चर्च, पास्टर नदीम बरकत के, वो काफी दूर है, कहाँ पर है वो? बाहर ग्लूनी। तो उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया, सुबह चिकन बनाया, उसके साथ नाश्ता किया। अनम ने जाना था अपने ससुराल, उनके वहां पर कोई प्रेयर थी, वहां पर चले गए। तो आज फिर दोबारा शाजिया रेडी हो गई अम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि कल जिस मकसद के लिए गई थी वो पूरा नहीं हुआ। मैं नानी से मिलने गई थी, तो मैं कपड़े धोती रही, 10 बज गए, तो फिर मैंने कहा अब तो वो सो गए होंगे, तो मैं सुबह जाऊंगी। सुबह मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं क्योंकि वो ना आंटी शमा के घर गए हुए हैं, इधर नहीं है वो आंटी, घर नहीं है उधर है, उधर अम्मी तो चले गई थी 8 बजे के, फिर तू तो कपड़े धो रही है, मैं जा रही हूँ, तब भी फिर 10 बजे आई, अम्मी कह रही आप ही सो गई है, तो मैंने कहा अब मैं सुबह ही जाऊंगी। अब तो अब मेरे 5 बज गए हैं, सुबह सुबह करते अभी जाते अभी, आज उन्होंने घर वापस भी जाना। चलो कल कपड़े वगैरह धो लिए हैं सारे शाजिया ने, अभी मैं इनको छोड़ के दोबारा फिर मैंने काम पर जाना है। तो ये एशलिन जो है ये भी तैयार होगी, पहले कह रही थी नहीं, एशलिन कह रही थी मैंने कर रहा है ना, क्योंकि अनम पुप्पो ने आना है, तो हमने कहा कि साथ ही आ जाओ, अब घर रह कर उसकी भी छुट्टी है, लेकिन वो सो रही है, तो क्या करोगे घर अकेले रह के। तो वो अब पता नहीं क्यों रो रही है, कि साथ जाना है इसलिए रो रही है या नहीं जाना इसलिए रो रही है, समझ नहीं आ रही इसकी। कैमरा ने तो नहीं कुछ कहा? नहीं नहीं कहा। मम्मा
चलो आ जाओ, आपको दोबारा फिर आज मम्मी के घर छोड़ा हूँ। बाल मैंने नहा के ना कंघी नहीं की है अभी, सिर्फ टॉवल से खुश किए हैं, उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं कंघी करता हूँ। चलो आ जाओ चलें। फ्रिज में नहीं, वो मैंने वापस डाल दी थी, नमक थोड़ा तेज था तो मैंने दोबारा पका दिया थोड़ा। तो गाइस आज के ब्लॉग को फिर इधर ही करते हैं एंड। हां मिलते हैं फिर आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।